आज हम आपको एक पाकिस्तानी इमाम लुकमान हैदर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने टिकटॉक पर अपने आतंकी मंसूबों को जाहिर किया। उसने वहां कहा कि गैर मुस्लिमों और इस्लाम में विश्वास ना रखने वालों पर हमला करना चाहिए और उन्हें नरक भेज देना चाहिए। इतना ही नहीं, उसने चार्ली हेब्दो के पूर्व कार्यालयों के बाहर हुए आतंकी घटनाओं को लेकर भी आतंकियों की तारीफ कर दी। लेकिन लुकमान हैदर शायद ये भूल गया था कि वो पाकिस्तान में नहीं फ्रांस में बैठा है, जो दहशतगर्दों को उसके अंजाम तक पहुंचा देता है। और इसी भूल की वजह से अब वो 18 महीने की जेल काट रहा है। फ्रांस ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर आतंकी मंसूबे जाहिर करने वाले पाकिस्तानी इमाम को अब जेल भेज दिया है। इतना ही नहीं, फ्रांस की सरकार ने अब यह तय कर लिया है कि हैदर को वापस उसके देश यानी पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी इमाम हैदर 2015 में फ्रांस आया था और वो पेरिस की एक मस्जिद में इमाम के रूप में काम करता था। उसने टिकटॉक पर कुछ वीडियोस पोस्ट किए थे जिसमें उसने आतंकी घटनाओं का समर्थन करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने की बात कही। पुलिस ने इन वीडियो के आधार पर हैदर को गिरफ्तार किया। उसने अपने पहले वीडियो में चार्ली हेब्दो के कार्टून के बारे में बात करते हुए कहा था कि मुस्लिम पैगंबर के लिए बलिदान करने के लिए तैयार हैं, और दूसरे वीडियो में उसने गैर मुस्लिमों और इस्लाम में विश्वास ना रखने वालों पर हमला करने और उन्हें नरक भेजने जैसी बातें कही थी। और फिर आखिर में उसने 25 सितंबर को अपने शेयर किए तीसरे वीडियो में चार्ली हेब्दो के पूर्व कार्यालय के बाहर हुई आतंकी घटनाओं के लिए आतंकियों की तारीफ कर दी। लेकिन अब वो खुद जेल में जाकर इस बात को महसूस करेगा कि दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान जैसा दहशतगर्द नहीं होता जो आतंकी गतिविधियों का बचाव करे। फ्रांस सरकार ने विदेशी इमामों को देश आने से रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस संबंध में कई फैसले लेने पर विचार भी कर रहे हैं। एक आंकड़े की माने तो हर साल करीब 300 इमाम फ्रांस आते हैं। आतंकी घटनाओं के मद्देनजर फ्रांस उन सभी रास्तों को बंद करना चाहता है जिसके माध्यम से दूसरे मुल्क के लोग फ्रांस आकर धर्म के नाम पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और यही वजह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस बारे में खुलकर एक बयान भी दिया था और कहा था कि दिक्कत तब होती है जब मजहब के नाम पर लोग खुद को अलग समझने लगते हैं और देश के कानून का सम्मान नहीं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।